रिलायंस जियो को लेकर एक बड़ी खबर चर्चा में है। अब आउटगोइंग कॉल्स के पैसे लेगा जियो। कंपनी ने बड़ा ऐलान कर अपने ग्राहकों को झटका दिया है। कंपनी ने कहा कि अगर जियो के ग्राहक वोडाफोन आइडिया और एयरटेल के ग्राहकों को फ़ोन करेंगे तो वह उनसे 6 पैसे प्रति मिनट चार्ज वसूलेगा। अन्य कंपनियां जियो के इस फैसले के खिलाफ हैं। जियो के इस कदम से पहले एयरटेल के बाद अब वोडाफोन आइडिया ने भी आलोचना करना शुरू कर दिया है। वोडाफोन आइडिया का कहना है कि इंटरकनेक्ट यूसेज चार्ज IUC ऑपरेटरों के बीच का एक समझौता था और इससे ग्राहकों को प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए। ऑपरेटरों का भी कहना है कि रिंगिंग टाइम को कम करने के लिए रिलायंस जियो का हालिया कदम अन्य ऑपरेटरों की कमाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। एक बयान में वोडाफोन आइडिया ने कहा कि हम उपभोक्ता समर्थक और पसंद के सिद्धांत को आधार मानते हैं, इसलिए हमारी पेशकश पूरी तरह से पारदर्शी और सस्ती है, जो प्रौद्योगिकी 2G, 3G और 4G के माध्यम से अलग अलग तरह के समाज और उपभोक्ताओं की ज़रूरत को पूरा करती है। आज भी लगभग 50% से अधिक लोग 2G और फीचर फोन उपयोग करते हैं और हम उन्हें देश के दूर दराज के हिस्सों में भी सेवा देते हैं, जबकि ऐसा करना हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। इससे पहले रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों से अन्य नेटवर्क पर किए गए काल के लिए शुल्क लेने की घोषणा की थी। जियो ने बुधवार को लिए अपने फैसले में कहा कि वह IUC की भरपाई के लिए ऐसा कर रहा है, जिसके बदले वह ग्राहकों को उतना ही डाटा भी देगा। एयरटेल ने इसकी शिकायत ट्राई से की है। उसने कहा है कि ऐसा IUC चार्ज को ख़त्म करने के लिए किया जा रहा है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इसके बाद से वोडाफोन आइडिया और एयरटेल भी वॉइस कॉल के लिए चार्ज कर सकते हैं, यानी आने वाले दिनों में मोबाइल पर मुफ्त कॉलिंग के दिन खत्म होने की संभावनाएं हैं।